तो दिस क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें दिया क्या है, फाइव कार्ड, टेन, जैक, क्वीन, किंग एंड एस आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड, वन कार्ड इज पिक्ड अप एट अ रेंडम। ठीक है, तो इनको क्या किया, वेल शफल्ड कर लिया और उल्टा रख दिया, ठीक है, जिससे ये देखिए नहीं कि कौन सा कार्ड है। ठीक है, अब इसमें से एक कार्ड पिक किया रेंडमली, ठीक है, तो अब वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। पहला पार्ट है इसका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड इज अ क्वीन, तो क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो अपना एन एस हो गया फाइव, क्योंकि टोटल फाइव कार्ड है, और एन ई हो गया अपना वन, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, वन अपॉन फाइव। ठीक है, तो ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट। अपन सेकेंड पार्ट देखते हैं। अब वो क्या बोल रहा है, इफ अ क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द सेकेंड पार्ट पिक्ड अप इज एन एस ही क्वीन। ठीक है, तो अब क्या किया, ये जो पांच कार्ड थे अपने पास, इनमें से अपन ने क्वीन को निकाला और हटा दिया। ठीक है, अब अपने पास कितने चार कार्ड बचे। अब वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है एक एस पुल आउट करने की। ठीक है, तो ये इसका सेकेंड का ए पार्ट है। तो अगर अपन को एस पुल आउट करना है तो अपने पास टोटल कार्ड तो बचे चार, और फेवरेबल इवेंट हो गया अपना वन। ठीक है, तो अपनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वन बाई फोर। अब वो क्या बोल रहा है, अब वो बोल रहा है सेकंड कार्ड जो अपन ने पिक किया हो वो क्वीन हो, लेकिन अपन ने क्वीन तो पहले से ही हटा दिया है, तो इसका क्या मतलब है, क्वीन तो आ ही नहीं सकता। तो अपना एन एस तो हो गया फोर, और एन ई जो फेवरेबल इवेंट है वो हो गया जीरो। ठीक है, तो अपना पी कितना हो जाएगा, जीरो बाई फोर, विच इज फर्दर इक्वल टू जीरो। तो अपना आंसर हो गया जीरो, क्योंकि अपन ने क्वीन तो आप लॉजिकली सोचो, आप क्वीन तो आपने पैसे हटा के रख दिया है बाहर। ठीक है, तो क्वीन तो आप पुल आउट कर ही नहीं सकते। ठीक है, इसलिए प्रोबेबिलिटी क्वीन निकालने की हो गई जीरो। तो देज आर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।